का बंटवारा हो चुका है और उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के विधायक अजोय विश्नोई की एक बार फिर नाराजगी देखने को मिली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजय विश्नोई ने एक बार फिर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर। और अजय विश्नोई ने लिखा है कि इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में आज जब सरकार ना तो बनाना थी और ना गिराना थी, फिर ये क्यों किया गया? भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? जनता को बताएं ना बताएं, बीजेपी को बताना होगा या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। अजय विश्नोई जो लगातार उनके तेवर कुछ इस तरह से हैं कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दिख रही है और ये वो ट्वीट अब अजय विश्नोई ने किया है। और इस पूरे मसले के बाद अब सवाल यही खड़ा होता है कि अजय विश्नोई एक तरह से बीजेपी से ही सवाल पूछ रहे हैं कि जनता बताए ना बताए, बीजेपी की तरफ से अजय विश्नोई ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी को जरूर दे इसका जवाब देना होगा। तो इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में। आज जब सरकार ना तो बनाना थी और ना गिराना, फिर ये क्यों किया गया? अब भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? जनता को बताएं ना बताएं, भाजपा को यह बताना होगा या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा। हम रुक करेंगे इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, लगातार अजय विश्नोई के तेवर हम देख रहे हैं, चाहे पत्र लिखना हो या फिर उनकी नाराजगी हो मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर, लेकिन ये तो अब सवाल पूछ रहे हैं कि जनता को बताए ना बताए लेकिन भाजपा को बताना होगा, ऐसा क्यों किया गया? ये जैसे हम कबीर की उलट बांसी के बारे में आपने सुना होगा दीपक, जो उसको समझने में थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ा। दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। अब बरसे कंबल और भीगे पानी पर आप दिमाग लगाइए कि क्या मतलब है इसका। और विष्णुजी जब ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में आज जब सरकार ना तो बनाना थी और ना गिराना, अब इसका क्या मतलब निकालें हम? आज जब सरकार ना बनाना थी ना गिराना थी, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक कमेंट है कि सरकार ना बनाना थी ना गिराना थी, फिर यह क्यों किया गया? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? जनता को बताएं ना बताएं, भाजपा को ये बताना होगा क्या हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है? ये पढ़ना होगा, उल्टा पाठ पढ़ना होगा। 47 मिनट पहले का उनका ये ट्वीट है और ये ट्वीट एक बड़ी बात कह रहा है। और मुझे लगता है कि अजय विश्नोई जी की निश्चित तौर पर जो पीड़ा हम देख रहे हैं, पीड़ा का निरंतर वो एक्सप्रेस हो रही है, वो व्यक्त हो रही है। लेकिन ये उन्होंने एक बड़ा सवाल किया है क्योंकि इस समय राजस्थान में भी उथल पुथल मची है और कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी प्रायोजित है सारा मामला। ऐसे में उनका ये ट्वीट काफी गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी भी इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान जरूर लेगी। हो सकता है अजय विश्नोई से बात भी करे पार्टी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उनकी। मैं फिर दोहराऊंगा कि आज जब सरकार ना तो बनानी थी और ना गिराना, यानी हमें सरकार ना मध्य प्रदेश में बनानी थी ना गिराना, मैं यही आशय इसका ले रहा हूं, फिर ये क्यों किया गया? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? जनता को बताएं ना बताएं, भाजपा को ये बताना होगा या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा? ये बहुत बड़ी बात की है, नैतिक की कोशिश है, बड़ा सवाल है। और मैं फिर कहूंगा कि जरूर इस पर आला नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे बात करेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा शरद जी, बीजेपी में जब भी कोई नेता नाराज होता है या फिर कोई किसी के ऐसे सुर सुनाई देते हैं असंतुष्टता के या संतोष के, जिस तेजी से भंवर उठता है उस तेजी से वो शांत भी हो जाता है बीजेपी में। इसके पहले हमने देखा जब विभागों के बंटवारे में लेट लतीफी हो रही थी, अजय विश्नोई साहब ने ट्वीट करते हुए एक तरह से ये कहा था कि कहीं नुकसान ना हो जाए। अब वो किस नुकसान की तरफ इशारा कर रहे थे, हमने उस पर भी चर्चा की थी, उसकी भी हमने विवेचना की थी। लेकिन अब एक बार फिर जो बीजेपी से ही हाईकमान से ही ये पूछ रहे हैं कि जनता को आप बताएं ना बताएं, भाजपा को बताना ही होगा। बहरहाल कोशिश भी होगी, हाईकमान के नेता केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है या बीजेपी के संगठन के नेता ही उनसे बातचीत करेंगे और उनकी इस नाराजगी को, पीड़ा जो उस स्ट्रीट में दिख रही है, उसको हल भी करेंगे। लेकिन क्या आने वाले वक्त में चुनौतियां कई हैं संगठन के लिए, सरकार के लिए?
बहुत सारी बातें आपने पूछ ली हैं दीपक। मुद्दे की बात ये है, जो वन लाइनर है, वन लाइनर ये है कि क्या अजय विश्नोई जी का रोष समाप्त होगा, और समाप्त होगा तो कैसे होगा। तो बात बहुत साफ है कि मुझे लगता है मिशन मंत्रिमंडल पूरा किया है मुख्यमंत्री ने। कल 12 बजे के पहले सूची गवर्नर के पास भेजी गई और सूची आज आधिकारिक सूची आज सुबह जारी हुई है। अब मिशन जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनका समायोजन मंत्रिमंडल में नहीं हुआ है, अब संगठन के साथ विचार विमर्श के बाद अगला सप्ताह हमें इन नेताओं के गरिमामय पुनर्वास के लिए नजर आ सकता है। अजय विश्नोई जी की महाकौशल विकास से जुड़ी किसी समिति में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त कोई भूमिका देखें तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विंध्य के विकास से जुड़ी किसी कमेटी में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हम राजेंद्र शुक्ला जी को देखें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जो दूसरे वरिष्ठ मंत्री हैं, चाहे जो रहे हैं पहले मंत्री, चाहे दीपक जोशी की बात करें या तमाम दूसरे लोगों की बात करें, रामपाल सिंह जी हैं, तो इन तमाम लोगों की हमें बड़ी भूमिकाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बीजेपी को ये करना ही होगा। क्योंकि जो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस समय देख रहे हैं कि नए मेहमानों का इस्तकबाल है, लाल कालीन बिछा के उनका स्वागत हो रहा है, तो उनके लिए भी बीजेपी के पास, बीजेपी के बैग में जरूर कोई बढ़िया पुनर्वास पैकेज होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर आगे चल के बीजेपी इस तरह से किस तरह से संवाद करती है अजय विश्नोई साहब से, और उनकी नाराजगी आखिर दूर कब होती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी जुड़े, और इस पूरे ट्वीट पर अगर हम नज़र डालें तो उन्होंने सवाल तो पूछे ही हैं और कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा, अपनी नाराजगी ये भी जाहिर की है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा अजय विश्नोई ने पहले भी कई मरतबा ट्वीट किए और उनकी नाराजगी उन ट्वीट्स में भी हमने देखी, और इस ट्वीट में भी वो सवाल पूछते हुए अपनी एक तरह से पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि जब सरकार ना तो बनाना थी और ना गिराना थी तो फिर ये क्यों किया गया। भाजपा को आप कहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा का भी एक नया कलेवर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। भाजपा में कुछ ऐसे नेता अब जिनका विलय हो चुका है, जो पहले किसी अलग विचारधारा, पहले किसी अलग पार्टी के थे, अब चूंकि विलय हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं क्या ये कारण माने कि एक नाराजगी अजय विश्नोई की है